नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो चीन ने नापाक हरकत की है उसी से संबंधित ये आपका आर्टिकल लिखा गया है। ये आपका आर्टिकल ब्रह्मा चेलानी द्वारा लिखा गया है, लेखक भी हैं और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, तो अच्छा आर्टिकल है, लेकिन आप सब लोग पहले देख लीजिए कि कहाँ आखिर ये हमारा विवाद छिड़ा हुआ है। तो याद रखिए, आपकी जो भारत की सीमा है चीन से लगती है आपकी 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। इसमें आपने देखा होगा कि चीन में आपका जम्मू कश्मीर वाला ये हिस्सा देख रहे हैं, अक्साई चीन, ये इस पर आपका चाइना का कब्जा है। ठीक है, चीन यही विवाद चल रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद उत्तराखंड की सीमा भी आपकी चीन से लगती है, उसके बाद सिक्किम की भी सीमा चीन से लगती है, एक अरुणाचल प्रदेश की भी सिक्किम से इसकी सीमा लगती है। और आपने देखा होगा चाइना हिमाचल अरुणाचल प्रदेश को तो अपना हिस्सा भी बताता रहता है कि हमारा हिस्सा है, और यहाँ के लोगों को फ्री वीजा सुविधा दिए हुए हैं। और इसकी चाइना है, इसकी राजधानी है क्या, बीजिंग, ये आपकी राजधानी। ठीक है, इसका मंगोलिया है ऊपर, ये आपका भारत की बात करें तो आप देख लीजिए बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार और नेपाल से भी आपके बहुत संबंध, जितने बुरे से बुरे नीचे स्तर तक संबंध जा सकते थे पहुंच चुके हैं। अब इन्हें किस तरह से संभाला जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चीन से भी हमारे बुरे संबंध बन चुके हैं बुरी तरह से, पाकिस्तान से भी, अफगानिस्तान से ठीक है हमारे संबंध, तो पाकिस्तान से तो हमेशा से आप देखते हैं संबंध खराब ही रहते हैं। नेपाल से आप कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता, और चीन को कहते थे आप लोग हिंदू चीनी, हिंदी चीनी भाई भाई। इसलिए टेंशन की बात इसलिए है हमारे भारत को, क्योंकि हम लोग पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हैं। दोस्ती आप खत्म कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अपने गांव में अगर आपके पड़ोसी है कोई तो उससे दुश्मनी करने में कोई फायदा नहीं। आपको समझ रहे हैं कि मतलब हमारा पड़ोसी है, उसे बदला नहीं जा सकता है, तो इनसे बनाना ही बेहतर रहता है। लेकिन इतना भी नहीं झुकना है कि कहते हैं कि इतना भी मत झुकिए कि कोई आपकी पीठ को पायदान समझकर निकल जाए उससे। तो ये बात अलग है कि चीन में आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जितने लोग मरे हुए हैं उसके बारे में भी सही से आंकड़े नहीं बताए गए। तो इस झड़प में हमारे 20 सैनिक, 20-21 सैनिक शहीद हुए हैं, और अब उनकी तरफ कितने हुए हैं इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। कोई 43 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है। तो देखिए, अगर लड़ाई होती है तो हानि दोनों तरफ पहुंचती है। मेरा अपना ओपिनियन ओपिनियन क्या है कि मुझे हम लोगों को अब आराम से, मतलब कोई अगर न्यूटन का तृतीय नियम फॉलो करना चाहिए, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अब हमें हांगकांग के मामले में, यहाँ भी ताइवान के मामले में भी हमें हाथ बढ़ाना चाहिए, और सबसे पहले हमारे पीओके वाले हिस्से को, यहाँ जो भी परियोजनाएं चल रही हैं इन्हें रोक देना चाहिए, इसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग शांत बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सुधरता है। अब वो जमाने गए कि अगर गांधी वाला टाइम गया, आप सुनते थे कि ये किसी ने एक थप्पड़ मारा दूसरा गाल कर दो, अब ये वो समय आ चुका है कि अगर आप लोग दूसरा गाल भी कर देंगे तो उस पर भी चांटा पड़ जाएगा। तो चलते देखते हैं इसमें हम लोग ब्रह्मा चेलानी साहब क्या सलाह दे रहे हैं। ध्वस्त करने होंगे चीन के नापाक इरादे। लद्दाख में गलवन गलवन घाटी की घटना से साफ है कि चीन जब तक अपनी विस्तारवादी एजेंडे की कोई बड़ी कीमत नहीं चुकाता तब तक वह अपनी मौजूदा रवैयों को छोड़ने वाला नहीं है। चीन ने लद्दाख के उन इलाकों में अतिक्रमण किया जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असल में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग उस दौर में आक्रामक तेवर बढ़ा रहे हैं जब पूरी दुनिया चीन से निकले कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के रूप में इस दौर की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रही है। आप समझ रहे हैं कि मतलब इस समय भी उसे राजनीति दिख रही है कि मतलब हर देश प्रभावित है कोरोना वायरस से, फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सी के मंसूबे अप्रैल में उनके उस भाषण से साफ जाहिर हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि इतिहास में परिवर्तनकारी कदम किसी बड़े संकट के दौरान ही
उठे हैं। शायद यही कारण है कि कोरोना के संकट के दौरान चीन ने बढ़त बनाने के मकसद से कई मोर्चे खोल दिए। हांगकांग, ताइवान से लेकर दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर और हिमालयी क्षेत्र में भारत के साथ भिड़ंत को लेकर उसके रुख से यही दिखता है कि सी के एक कदम कोरोना वायरस को लेकर चीन की संदिग्ध भूमिका से ध्यान भटकाने में मददगार हो रहे हैं। याद रखिए, अब जब कभी स्थानीय मुद्दा उठने लगता है या कोई ऐसी समस्या आग पड़ी होती है, तब ये सरकारें क्या करती हैं, नेता क्या करते हैं आके, कि राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा उठा देती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर हमसे अभी पाकिस्तान लड़े या चीन से हो, तो हमारी पूरी पार्टियां, जो भी नेता हैं, सब एक हो जाएंगे। हमारे देश की पूरी जनता एक हो जाएगी। इस मामले में घर की में बुराई कुछ भी हो, लेकिन अगर बाहरी कोई आक्रमण करता है तो हम सब एक हैं। तो इसी तरह के मुद्दे क्या करते हैं कि चाइना भी उठा देता है। आप नेपाल देख रहे हैं, नेपाल की राजनीति में बहुत उठापटक चल रही थी, इसलिए उसने भी अपना यह हथकंडा अपना लिया है। हालांकि इनसे यह भी जाहिर होता है कि उनका तानाशाह शासन कैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे पैदा कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपियो कह चुके हैं कि चीन की आक्रामकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिस महाशक्ति अमेरिका की मेहरबानी से चीन का आर्थिक कायापलट हुआ है, आज सी की सरपरस्ती में चीन उसे ही आंख दिखा रहा है। सीधा सा कहने का मतलब है कि आज से कुछ सालों पहले अमेरिका और चीन के अच्छे संबंध हुआ करते थे, क्योंकि अमेरिका को क्या चाहिए था, मार्केट। आप जानते हैं कि चाइना की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, तो इन दोनों के रिश्ते ठीक हुआ करते थे। लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि आप जिसे पाल पोस रहे हैं, यानी कि जिसकी अर्थव्यवस्था को आप संभाल रहे हैं, वही आपसे आगे निकल जाए। तो अब आप देख रहे होंगे कि चीन अमेरिका से आगे निकलने की होड़ में खड़ा हुआ है, तो अमेरिका भी इसे गिराने की चक्कर में है। अमेरिका चीन शीत युद्ध भले ही अभी भविष्य में गर्म में हो, लेकिन भारत चीन शीत युद्ध शुरू हो चुका है। लद्दाख के मोर्चे पर चीन के अतिक्रमण से उपजा सैन्य गतिरोध किसी युद्ध का रूप धारण कर सकता है। लगता है भारत के साथ जंगी मोर्चा खोलकर सी एक बड़े सैन्य संघर्ष की बिसात बिछा रहे हैं। जहां माओ से तुंग ने चीन की पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त किया और डेंग सियाओपिंग ने आधुनिक चीनी अर्थव्यवस्था की बुनियादी रखी, वही सी चीन की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। आप जानते हैं कि जब जहां से अमेरिका आपका निकल रहा हो, फिर चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तुरंत वहां चीन घुस जाता है। WHO की बात करिए, जैसे ही अमेरिका निकला, चीन ने तुरंत एंट्री दे दी, यानी कि जहां से अमेरिका हट रहा है, वहां चीन तुरंत खड़ा हो रहा है महाशक्ति बनने की चाहत में। यह महत्वाकांक्षा कहीं उन्हें इतना अंधा ना बना दे कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिघात को आमंत्रण दे बैठे। सी के शासन वाले चीन की तुलना में एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी से करना शायद कुछ जल्दीबाजी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें हिटलर कहा जाने लगा है। वैसे प्रताड़ना केंद्रों में कैद 10 लाख से ज्यादा मुस्लिमों और अपने पड़ोसी देश पर आक्रामकता का रौब दिखाकर सी हिटलर की गलतियों से कुछ सीख सकते हैं, जिनसे कई मोर्चे खुलकर अपनी शक्ति को खोखला कर लिया है। चीन भले ही एक बड़ी ताकत हो, लेकिन उसका कोई सच्चा मित्र नहीं है। आप लोग एक बात जानते हैं कि साहूकारों जैसा चीन का हाल है। साहूकार क्या कहते हैं कि पहले इतना कर्ज दे देंगे कि उसे चुकाने में भी आप परेशान हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे कि चुकाने के लिए, कर्ज चुकाने यानी कि ब्याज चुकाने के लिए आप साहूकारों से ऋण लेने लगेंगे, फिर आप जमीन जायदाद जो भी आपके गहने होंगे उन्हें आपको रखना पड़ेगा उसके बदले। तो चीन भी यही कर रहा है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान को उसने फंसा लिया है। पाकिस्तान ऋण जाल में इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि अब उसका ब्याज चुकाने के लिए भी चीन से ही उधार लेना पड़ता है। आपने देखा है श्रीलंका को भी उसने फंसा लिया था, और अब आपका नेपाल भी उसी की राह पर चल रहा है। उसके पास भरोसेमंद सामरिक साझेदार की भी कमी है। वास्तव में चीन जितना शक्तिशाली बनेगा, उसके लिए वास्तविक साझेदार बनाना और मुश्किल होता जाएगा। क्या सी बिना साझेदारों के ही चीन को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं? सी के दुस्साहस्य दृष्टिकोण के पीछे यह धारणा है कि इनकी
चीनी की कोई कीमत नहीं पहुंचा, नहीं चुकानी पड़ेगी इसकी, चीन को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। अभी तक यह रणनीति कारगर साबित हुई क्योंकि दुनिया की अन्य बड़ी शक्तियां ठोस कार्रवाई के बजाय जुबानी जमाकर से ही जुटी रहीं। लेकिन हाल में समीकरण कुछ बदले हैं। कोरोना महामारी और उसके बाद तिब्बत की तर्ज पर हांगकांग को पूरी तरह हड़पने की बदनीयत दिखाकर सी ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को आमंत्रण देना शुरू कर दिया है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि समझ रहे हैं कि हांगकांग पर भारत ना बोले कुछ, खुलकर हांगकांग पर भारत को कोई बयानबाजी ना करे, चीन के साथ मिलकर रहे, और चीन यही चाहता है। चीन इसीलिए प्रेशर भी डालता है। एक बात कहा जाता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी मानी जाएगी क्योंकि आप समझ रहे हैं कि चीन और भारत के पास सबसे बड़ी जनसंख्या है, लेकिन ये दोनों रहते ही नहीं है साथ में, नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो वो भी खत्म हो जाएगी। कोरोना महामारी ने दिखाया है कि निरंकुश चीन की दुनिया को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह महामारी सी की नव साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकती है। दुनिया के तमाम देश बीजिंग पर अपनी आर्थिक निर्भरता घटा रहे हैं, विदेशी कंपनियां चीन से पलायन कर रही हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो चीन को लेकर सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। जहां तक भारत चीन सीमा का सवाल है तो इतिहास में ऐसी कोई सीमा रेखा थी ही नहीं। भारत की सीमा तो तिब्बत से लगती थी, लेकिन 1951 में चीन ने तिब्बत को हड़पकर हालात बदल दिए। तब से चीन ने जब भी भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखाई तो देश में कुछ लोगों ने इसके लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने इस पर गौर ही नहीं किया कि बाहुबल दिखाना चीन की साम्यवादी संस्कृति का हिस्सा है। एक तो भारत ने देर से चीन सीमा पर बुनियादी ढांचा विकसित करना शुरू किया, और आप सोचिए इतनी झड़प होने के बाद भी हमारा काम नहीं रुका है, जो हमारी योजनाएं चल रही, परियोजनाएं, वो बराबर चल रही हुई हैं। यदि कुछ भारतीयों को यह कवायद और गत वर्ष जम्मू कश्मीर के दर्जे में संवैधानिक बदलाव चीन की ताजा आक्रामकता का कारण दिख रहा है, तो वास्तव में वे चीन के हाथों में खेल रहे हैं। जब 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी चीन ने लद्दाख के देपसांग क्षेत्र में घुसपैठ की थी। हिमालयी क्षेत्र में चीन के नापाक मंसूबों से निपटने के लिए भारत को तिब्बत की निर्वासित सरकार को ढाल बनाकर उसका लाभ उठाना चाहिए। लेकिन भारत क्या करता है कि बहुत अपनी तरह से कोई गलती नहीं करता है भारत, फिर भी उसे भुगतना पड़ता है। मेरा मानना है कि सीधा होना भी आजकल बड़ा एक मतलब खराब है, गुनाह है। आप समझ सकते हैं कि मतलब हम किसी के मामलों में टांग भी नहीं अड़ाते हैं, फिर भी लोग हमारे हमारे जहां देखिए वहां टांग अड़ा देते। अफसोस की बात यह है कि चीन को खुश करने के लिए भारत ने 2 साल पहले दलाई लामा और निर्वाचित सरकार के दर्जे को बदल दिया। अब भारत को चाहिए कि सीमा रेखा उसका सही ऐतिहासिक नाम भारत तिब्बत सीमा कर दे। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जब 1967 में हम चीन के सामने डटे तो उसकी आक्रामकता की हवा निकली और हमारी सीमा पर शांति सुनिश्चित हुई। इसके उलट जब भी भारत ने साहसिकता दिखाई तो बदले में चीन ने घाव ही दिया। वर्ष 1967 में हम 62 और 65 की जंगों से उबर ही रहे थे, फिर भी सिक्किम तिब्बत सीमा पर हमने चीन को करारा जवाब दिया। जब परमाणु शक्ति संपन्न और कई वर्षों तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, 2020 का भारत क्या 1967 के उस भारत से भी कमजोर है? बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपने जब से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की 2 बार, तब से देखिए कि काफी हद तक पाकिस्तान अपनी औकात में आ चुका है। और जितनी बार हम लोगों ने चीन का सही सोचा है उतनी बार हमें घाव मिला है, उतनी बार हमारे साथ धोखा हुआ है। आज भारत में किसी लचर गठबंधन की सरकार नहीं है, यानी कि एक मजबूत सरकार है। आप समझ सकते हैं कोई भी निर्णय लेना है हाल ले सकते हैं। मौजूदा सरकार के पास संसद में भारी बहुमत है, प्रधानमंत्री को जनता का व्यापक समर्थन भी हासिल है। आप जानते हैं मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा किया गया हो। आज नरेंद्र मोदी पर अगर जनता भरोसा करती है, आग बंद करके भरोसा करती है, लेकिन मुझे ये भरोसा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्योंकि देखिए
हर जगह आप देख रहे हैं कि अभी गरीबों का देख लीजिए, कोरोना की वजह से जिस तरह से मार झेले हुए हैं। मैं बता सकता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी के जितने भी सांसद चुने गए उनमें से अधिकतर लोगों की शक्ल भी नहीं है जनता को पता कि ये हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। केवल मोदी की शक्ल देखकर, कमल का चिन्ह देखकर जनता ने वोट दिया है। इतने मतलब इतनी अधिक व्यापक मतलब चाहते थे लोग नरेंद्र मोदी को। देखिए 2014 से 2019 में कितने बहुमत से सरकार बनाई, आप समझ रहे हैं? एक ही चेहरे को जानती है सरकार, वो है नरेंद्र मोदी। यानी कि आपकी जनता है जो नरेंद्र मोदी को जानती है, वो उन्हीं पर भरोसा करती है। आप सोचें किसी विधायक या फिर किसी सांसद पर भरोसा नहीं करती, सांसद पर सिर्फ मोदी पर भरोसा करती है। अब देखिए किस तरह से खरे उतरते हैं, आने वाले वक्त में बताएगा। अपने समर्थकों में नरेंद्र मोदी की छवि ऐसे नेता की है जो कभी देश को निराश नहीं कर सकते। लद्दाख के मोर्चे पर उनके नेतृत्व की परीक्षा होने जा रही है। वास्तव में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसकी सुरक्षा परिदृश्य काफी हद तक इस पर निर्भर होगा कि वह चीन के साथ सैन्य गतिरोध को से किस तरह निपटता है। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा अगले हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है।